अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइस कुजीन। आज मैं आपके साथ एक और सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, पाकिस्तान में भी सर्दियाँ हैं और सर्दियों में तो सूप बहुत मज़े के लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिफरेंट तरह के सूप्स की रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है, लेकिन ये बेहद मज़े का लगता है। इसके साथ हम जो इसकी दो सॉसेस बनाएंगे, उसके साथ इसको सर्व किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके लिए हम एक चिली सॉस बनाएंगे सुर्ख मिर्चों के साथ, और दूसरी हम बनाएंगे ग्रीन चिली सॉस जो कि हम हरी मिर्चों के साथ बनाएंगे, और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए यखनी बना लेंगे या चिकन स्टॉक। इसके लिए मैंने यहाँ पैन में 2 लीटर पानी डाला है। अब मैं इसमें इसकी दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने एक अदद छोटे साइज़ की ली थी और इसको मोटा मोटा काट लिया है। हमने इसके लिए यखनी ही बनानी है, इसलिए इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें चला जाएगा गार्लिक क्लोव्स, ये मैंने लिए थे 2 अदद और इनको भी मैंने मोटा मोटा सा काटा हुआ है। अदरक, ये भी मैंने मोटी काटी है, 1 चाय का चम्मच है ये तकरीबन, या 1/2 इंच का टुकड़ा आप ले लीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सैलरी। सैलरी की 1 स्टिक मैंने ली है और इसको भी मोटा सा काटा हुआ है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर हम सब्ज़ियाँ इसमें डालेंगे तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं सब्ज़ियाँ भी ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, ये मैंने 1 अदद ली थी और इसको भी मैंने मोटा काटा हुआ है। सब्ज़ियाँ सारी इसमें जा चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन 400 ग्राम, और ये मैंने हड्डी के साथ इस्तेमाल किया है। हड्डी वाला चिकन आप लेंगे तो उससे यखनी ज़्यादा अच्छी बनेगी और ज़्यादा अच्छा ज़ायका आएगा सूप का। साबित काली मिर्चें मैं इसमें डालूँगी 1/2 चाय का चम्मच, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक 1/2 चाय का चम्मच। सीजनिंग, सब्जियां और चिकन सब कुछ इसमें जा चुका है। अब आप इसको कवर कर दें और ढककर आप इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए पका लीजिए, जब तक कि जो चिकन है उसका असर अच्छी तरह से निकल आए। जब तक यखनी तैयार हो रही है, हम इसकी दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। दूसरा अहम इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है स्वीट कॉर्न या क्रीम ऑफ कॉर्न भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने लिए हैं 200 ग्राम और इनको मैं एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लूँगी, लेकिन इनको ब्लेंड बहुत बारीक नहीं करना, यानी कि इनका पेस्ट आपने नहीं बनाना, आपने बस इसको थोड़ा सा कोर्सली ब्लेंड करना है कि इसका जो चंक्स है वो आपको नज़र आते रहें। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड किया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब आप इसको साइड पे रख दीजिए। यखनी अभी भी बन रही है तो इसलिए हम इसकी जो 2 सॉसेज हैं वो तैयार कर लेते हैं। पहली सॉस के लिए मैंने यहाँ लिया है वाइट विनेगर 2 खाने के चम्मच, और मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1/2 चाय का चम्मच। आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 1 चाय का चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। सुर्ख मिर्च सिरके में डाल के आप इसको मिक्स कर लीजिए, और ये हमारी पहली सॉस तैयार है, रेड चिली सॉस। इसके साथ दूसरी जो सॉस बनेगी उसके लिए भी हमें चाहिए वाइट विनेगर या सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, और मैंने यहाँ 1 अदद हरी मिर्च ली है और इसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है। ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो आप ये प्रोसेस 1 रात पहले भी कर सकते हैं, तब इन हरी मिर्चों का जायका और ज़्यादा अच्छा आता है। हमारी सेकंड सॉस भी अब तैयार हो चुकी है। मीनवाइल आप देखिए, तकरीबन 1/2 घंटे के बाद मैंने ये ढक्कन उठाया है इसका,
और हमारी चिकन की यखनी या चिकन स्टॉक तैयार है। आप अब इसमें से चिकन की बोटियों को अलग कर लें। इस तरह से आप इनको पहले अलग कर लें। चिकन की बोटियां जब आपने निकालनी हो तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका अगला स्टेप क्या करना है। बोटियां मैंने निकाल के अलग से रख ली हैं। अब आप इस चिकन स्टॉक को स्ट्रेन कर लीजिए, यानी कि छान लीजिए किसी छलनी की मदद से या मलमल के कपड़े से। ये देखिए, छनी हुई जो हमारी चिकन स्टॉक है वो यहाँ पर है। आप इसको हल्की आंच पे अभी पकने दीजिए और दूसरी साइड पे जो हमने चिकन निकाला था इसका, उसको आप पहले डीबोन कर लीजिए, यानी कि आप इसकी हड्डियाँ अलग कर लें। हड्डियाँ अलग करके आप उनको डिस्कार्ड कर दें और जो यहाँ पर चिकन की बोटियाँ आपके पास बाकी रह गई हैं, इनको आप हाथ की मदद से श्रेड कर लें या रेशा रेशा कर लें। अगर आप ज़्यादा चंकी पसंद करते हैं तो आप इनको बारीक श्रेड ना करें, थोड़ा मोटे मोटे पीस आप इनके रहने दीजिए। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। अब हम वापस चलते हैं अपने यखनी की तरफ। यखनी पक रही थी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने कोसली ग्राइंडेड स्वीट कॉर्न हमने करके पहले से रखा था, ये आप इसमें डाल दीजिए। और इसके साथ ही आप इसमें डाल दें श्रेडेड चिकन। ये दोनों चीज़ें डालकर आप इसको हल्का सा मिक्स कीजिए चम्मच की मदद से। और मीडियम आंच पर आप इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। चिकन भी पहले से गला हुआ है और स्वीट कॉर्न भी, इनको ज़्यादा देर पकने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने टिन वाले इस्तेमाल किए थे। तकरीबन 5 मिनट आप इसको पकाएं और अब बारी है इसकी सीजनिंग की। सबसे पहले इसमें जाएगी क्रश्ड ब्लैक पेपर या कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच। नमक आप इसमें डालिए हसबे जायका। नमक हम पहले चिकन की यखनी में डाल चुके हैं, इसलिए आप चख के फिर इसमें डालिए। सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, ये भी 1 खाने का चम्मच। और ये मैंने नॉर्मल वाली इस्तेमाल की है, डार्क वाली इस्तेमाल नहीं करनी। चिली सॉस मैं इसमें डालूँगी 1/2 खाने का चम्मच। अब यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया था और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये अब मैं इसमें डालूंगी और आप देख लीजिए कि मैं किस तरीके से इसमें डाल रही हूँ। चम्मच की मदद से मैं साथ साथ इसको चलाती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने अंडा डाल दिया है। अंडा डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर, ये मैंने लिया था 5 खाने के चम्मच और इसको मैंने ठंडे पानी में मिक्स कर लिया है। ये भी आप अंडे की तरह ही डालेंगे, आप चम्मच साथ साथ चलाते रहें ताकि इसके लम्स ना बने। और ये आप इसमें डालते रहें, जो आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी हो उस हिसाब से आप इसमें डालिए। ये देखिए मैंने जितना डाला है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी है। सूप हमारा अब तैयार है, मैंने इसको सर्व कर दिया है जो हमने पहले 2 सॉसेस बनाकर रखी थी उनके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।